नमस्कार कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि नए साल में उन्हें नया तोहफा मिलने जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षकों के लिए क्या खुशखबरी है। पुराना साल तो जा रहा है, नया साल आने वाला है और नए साल के नए महीने में यानी पहले महीने जनवरी में ही ये खुशखबरी मिलेगी शिक्षकों को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तबादले की। बड़े पैमाने पर शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं, तो अब ऐसे शिक्षकों को मौका मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है, जनवरी में आवेदन लिए जाएंगे और मार्च तक शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, दरअसल हम तमाम शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, नियमित शिक्षकों के तबादले की बात कर रहे हैं। और 34,540 कोटी वाले जो शिक्षक हैं उनके तबादले की बात कर रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों के तबादले के बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि उनके बारे में भी चर्चा है। क्या चर्चा है, कब तक उनका तबादला होगा, ये बातें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जो तबादले की बात सामने आ रही है, जो नियोजित नियुक्त जो नियमित शिक्षक है पहले से उनके तबादले की बात है। साथ ही साथ जो 34,540 की कोटी में जो बहाल हुए थे शिक्षक उनका तबादला करने जा रही है सरकार। यानी अब जिस जिले में वो पदस्थापित है उन्हें दूसरे जिले में जाना है तो उन्हें अब मौका दिया जाएगा। सरकार जो शिक्षा विभाग है इसके लिए तैयारी कर रहा है, पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से जो ये तबादला किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी में तबादला के लिए इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लेकर मार्च तक तबादला की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। तो ये तो बात हो गई नियमित शिक्षकों के लिए जो पहले से बहाल हैं, या फिर 34,540 कोटी वाले जो शिक्षक हैं जो तबादले का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात नियोजित शिक्षकों की, जिनकी बड़ी संख्या है उन्हें तबादले का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल उनकी नियमावली में तबादले वाला नियम ही नहीं है, लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं कि उनका भी तबादला जल्द हो सकेगा। इसके लिए सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली होने वाली है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसमें नई नियमावली तैयार की गई है। जो नई नियमावली तैयार की जा रही है उसके आधार पर इसमें जो है बहुत सारे प्रोविजन बनाए जाएंगे और उस सातवें चरण की शिक्षक नियोजन की नियमावली के जारी होने के बाद, मंजूर होने के बाद नियोजित शिक्षकों का भी तबादला किया जा सकेगा। जी हाँ ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार, कि जो सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले नियमावली तैयार की जा रही है उस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों का तबादला होगा। बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं खासकर महिला शिक्षक उन्हें इंतजार है गृह जिले का, और ऐसे में उनके लिए ये खुशखबरी है कि तबादले की जो है दुगदुगी वो नए साल में बच जाएगी। नियमित शिक्षकों का तो तबादला जनवरी से शुरुआत हो जाएगा जैसा कि शिक्षा विभाग से खबरें हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए तबादला पर सरकार अभी फिलहाल निर्णय लेगी। वो जो सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन रही है उसके आधार पर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो ये नियमावली बन रही है तबादला नीति को शिक्षकों के हित में थोड़ा लचीला बनाया जा रहा है ताकि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ ही सामान्य शिक्षकों का तबादला एक बार इच्छा अनुसार करने की सुविधा मिल सके। तो नई जो सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की नियमावली है उसके आधार पर नियोजित शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। सरकार इसमें देर नहीं करेगी और ये नियमावली जारी होगी तो जो तमाम नियोजित शिक्षक पहले से जो बहाल हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और खास करके महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए तो नियम लचीला जरूर बनाया गया था, लेकिन जो पुरुष शिक्षक थे उनके लिए नियमों में इस नियमावली में ढील दी जाएगी। आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नए साल में जहां नियमित शिक्षकों का तबादले की प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाएगी, वही नियमित शिक्षक नियोजित शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
सातवें चरण की शिक्षक बहाली की नियमावली जारी होने तक उस पर मुहर लगने तक इंतजार करना होगा, और उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षक हैं जो, उन्हें अब तबादले का उसके बाद मौका मिलेगा और बड़ा मौका होगा। तो हम आपको बताएं कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण 34,540 कोटि वाले और जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, एक जिला से दूसरे जिले में तबादला उनका रुका हुआ था, ऐसे में अब जो है उनका तबादला किया जाएगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये बातें बताई जा रही है कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा आवेदन देना होगा और उसके बाद आवेदन जो शिक्षा निदेशालय में आएगा और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में तबादले के लिए विशेष कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। तबादला में जरूरतमंदों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को सामान्य शिक्षक से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। तो ये तो बात हो गई सामान्य शिक्षकों की, और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है कि जहाँ जैसे ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नियमावली तैयार हो जाएगी और उस नई नियमावली में जो नियमों को लचीला बनाया जा रहा है तबादले की नीति को, उस नीति के आधार पर शिक्षकों को जो पहले से बाहर हैं 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को भी तबादले का लाभ मिल सकेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।